दोस्तों अगर आपका किसी भी बैंक में खाता है, चाहे किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में, SBI, PNB, केनरा बैंक, HDFC, ICICI वगैरह वगैरह, तो आपको फरवरी से कई बड़े फायदे मिलने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों इस महीने 1 फरवरी 2024 से ही बैंक खाता वालों के लिए कई सारे बड़े बदलाव और नए नियम लागू होने जा रहे हैं। वैसे तो आपको पता होगा, मैंने आपको DLS न्यूज पर 1 फरवरी से लागू होने वाले सारे नए नियमों के बारे में बताया था, लेकिन स्पेशली बैंक खाता वालों के लिए क्या क्या बदलाव लागू होने जा रहे हैं आइए देख लेते हैं फटाफट से। और बाकी 1 फरवरी को बजट भी आने वाला है, इसमें भी कई बदलाव देखने को मिलेंगे। मोबाइल फोन सस्ते हो सकते हैं और भी बजट की क्या क्या बड़ी घोषणाएं हैं, तो उसके बजट वाले अलग से वीडियो में बात करेंगे। बहरहाल अभी अपन देखते हैं। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखें, अगर आपके पास गाड़ी का फास्टैग है तो 31 जनवरी तक आप फास्टैग की KYC अपडेट करवा लें, वरना आपका फास्टैग ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। और ये KYC अपडेट आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बताया था, लेकिन आज लास्ट डेट है तो फिर से रिमेंबर करवा रहा हूं। अच्छा, KYC अपडेट कर रहे हैं और चेक करने के तरीके बता देता हूं, ताकि आप पता कर सकें कि आपके फास्टैग की KYC हो रही है या नहीं हो रही है। अगर आप कहीं हाईवे से गुजर रहे हैं, तब एक काम तो आप ये कर सकते हैं कि टोल प्लाजा पर बने हेल्प काउंटर पर जाकर के भी आप KYC अपडेट करा सकते हैं। दूसरा, जिस भी बैंक से आपने फास्टैग इश्यू करवा रखा, जारी करवा रखा, उससे भी आप KYC अपडेट कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपने किसी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए फास्टैग लिया, जैसे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे वगैरह के जरिए, तो उन प्लेटफॉर्म के जरिए भी आप KYC अपडेट कर सकते हैं। चौथा, आप ये चेक भी कर सकते हैं कि आपकी KYC अपडेटेड है या नहीं। इसके लिए fastag.ihmcl.com, ये सरकार का ऑफिशियल पोर्टल है। जैसे आप इस पोर्टल पर जाओगे, NETC फास्टैग करके यहाँ पर लोगो मिलेगा आपको, देख सकते हैं। इस पर आपको फास्टैग से संबंधित सारी सर्विस मिल जाती है। सिंपली आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना या आपका मोबाइल नंबर डालना जो आपके फास्टैग से लिंक्ड है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये फोटो में जो अक्सर दिख रहे हैं कैप्चर डालने हैं और गेट OTP बटन पर क्लिक करना है। अभी ये देखिए, मैंने आपको रैंडम नंबर डाले तो ये एरर दिखा रहा है कि दिस नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड फॉर NHAI फास्टैग। तो आपको रजिस्टर्ड नंबर ही डालने हैं, ठीक है। और इस तरह से आप अपने अकाउंट में लॉगिन करके चेक भी कर सकते हैं। और KYC मांगेगा तो सिंपली आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर डालना, अपलोड करना, स्कैन करके। तो ये तो सिंपल प्रोसेस रही। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं फरवरी में बैंक खाता वालों से जुड़े, पैसों से जुड़े क्या 6 नए नियम बदलने जा रहे हैं। IMPS, NPS समेत फास्टैग के बदलाव तो मैंने आपको बता ही दिए। तो सबसे पहला अपडेट तो ये है कि एक प्राइवेट सेक्टर के बैंक ने ऑफर निकाला, जिससे अगर आप UPI का इस्तेमाल करते हो तो UPI ट्रांजेक्शन पर सालाना 7,500 रुपए तक कैशबैक देगा ये बैंक। और वो बैंक है दोस्तों DCB बैंक, ये प्राइवेट बैंक है। इसने हैप्पी सेविंग अकाउंट्स की शुरुआत की है। इस सेविंग अकाउंट पर आप UPI का इस्तेमाल करते हुए 7,500 रुपए तक सालाना कैशबैक पा सकते हैं। हालांकि इसके लिए जरूरी है कि 500 रुपए का मिनिमम UPI ट्रांजेक्शन आपको करना पड़ेगा हर 3 महीने में। और इसके अलावा फरवरी महीने में 29 में से 11 दिन बैंक भी बंद रहेंगे, मतलब बैंकों की छुट्टियां रहेगी, क्योंकि सरस्वती पूजा, छत्रपति शिवाजी जयंती समेत कई सारे त्यौहार भी आने वाले हैं, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग DLS न्यूज पर मैंने एक अलग से वीडियो डाल रखा, फरवरी में 11 दिन बैंक बंद रहेंगे। भारत बंद का भी ऐलान किया किसानों ने विरोध वगैरह में, तो ये वीडियो को देख लीजिएगा डिटेल जानकारी के लिए। और बाकी ये बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 29 में से 11 दिन कौन कौन से और किस किस जगहों पर बैंकों की छुट्टियां रहने वाली है। चलिए अगला अपडेट और नया नियम है दोस्तों, मोदी सरकार ने फैमिली पेंशन के नियम भी बदल दिए हैं। महिलाओं को इससे बड़ी राहत मिलने वाली है, यानी अब फैमिली पेंशन के लिए पति की बजाय अपने बच्चों को भी नॉमिनेट कर सकेगी महिला सरकारी कर्मचारी। काफी टाइम से केंद्रीय महिला सरकारी कर्मचारी ये मांग कर रही थी, तो आखिरकार फरवरी से ही सरकार ने ये मांग भी पूरी कर दी और नया नियम लागू कर दिया। अब कोई भी महिला सरकारी कर्मचारी अपने बेटे बेटी को उनकी पेंशन पाने के लिए नॉमिनी में ऐड कर सकेंगी। इतने दिन सिर्फ ऑप्शन पति का ही मिलता था, लेकिन कई बार अक्सर ऐसे झगड़े, फैमिली डिस्प्यूट देखे जाते जिसमें पति से महिला की लड़ाई हो जाती है, परिवार में अगर ऐसा कोई कलह वगैरह हो गया, तो ऐसे कंडीशन में महिला कर्मचारी के पास ये ऑप्शन होगा, पति के बजाय अपने बेटे बेटी को पेंशन के रूप में चुन सकेंगी, है ना। ओके, और चलिए अगला अपडेट नया नियम देखिए। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से बैंक खातों में मिनिमम बैलेंस यानी कि न्यूनतम धनराशि मेंटेन करने को लेकर भी नए नियम लागू किए हैं। एक तो RBI ने कहा कि बैंक निष्क्रिय खातों पर कम बैलेंस मेंटेन करने पर पेनल्टी नहीं लगा सकते हैं। और इनमें वे खाते शामिल होंगे दोस्तों जिन्होंने 2 या 2 से ज्यादा साल तक कोई भी लेन देन भुगतान नहीं किया अपने बैंक खाते से, तो फिर उनके बैंक खाते जो डीएक्टिवेट हो जाते हैं ना, उन पर 1 अप्रैल 2024 के बाद से नए नियम लागू होंगे, जिसके तहत बैंक मिनिमम बैलेंस की पेनल्टी नहीं लगा पाएंगे अगर 2 साल से बैंक खाता बंद पड़ा है तो। RBI के नए नियमों में और क्या है, तो इसमें भी RBI ने कहा कि बैंक स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति के लिए या सरकारी योजनाओं के लिए DBT वगैरह के लिए सीधे भुगतान के लिए खोले गए खाते निष्क्रिय नहीं माने जा सकते हैं। भले ही इन खातों का 2 साल से ज्यादा समय हो गया कोई उपयोग नहीं किया गया हो, फिर भी इन खातों को बैंक अब डीएक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। तो ये RBI की तरफ से बैंक में मिनिमम मंथली बैलेंस एवरेज जो मेंटेन करना पड़ता है उसको लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई है। चलिए अगला अपडेट है NPS योजना को लेकर। अब आंशिक निकासी को लेकर नियम बदल चुके हैं, जिसके मुताबिक अगर आपके नाम पर पहले से एक घर मौजूद है तो उसके लिए NPS अकाउंट से आंशिक विड्रॉल की अनुमति नहीं होगी। NPS यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम जो पेंशन अकाउंट होता है उसके लिए ये 1 फरवरी 2024 से ही विड्रॉल के सरकार की तरफ से नए नियम लागू कर दिए गए हैं। इसके बारे में विस्तृत जानकारी तो मैंने आपको बताई भी थी, आप यहां भी देख सकते हैं। और अगला सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों बैंक के IMPS ट्रांसफर को लेकर। देखिए 5 लाख रुपए तक कर सकेंगे ट्रांसफर, न बेनिफिशियरी ऐड करना होगा और न ही डालना होगा IFSC कोड। जी हां, ये सभी बैंक खाता वालों को 5-5 लाख रुपए तक की सुविधा का फायदा मिलना शुरू हो जाएगा 1 फरवरी से ही ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए। बहुत आसानी रहेगी अब आपको। अब
आपको किसी भी व्यक्ति को ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करना IMPS के जरिए, तो ना ही उसकी बेनिफिशियरी ऐड करनी पड़ेगी और ना ही उसके बैंक खाते का IFSC कोड डालना पड़ेगा। सिर्फ आप उसके मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर से भी पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी बता रही है कि बैंक अकाउंट नंबर भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैंक अकाउंट में नाम का इस्तेमाल और मोबाइल नंबर और बैंक ब्रांच के जरिए भी आप पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे। तो ये 1 फरवरी से ही IMPS के जरिए 5 लाख रुपए तक की नई सुविधा मिलेगी आपको। इसके अलावा कुछ और अपडेट्स 1 फरवरी से फटाफट से बता दूं आपको। एक तो हरियाणा राज्य में सरकार 1 फरवरी से हर महीने बिजली बिल भेजेगी। मंथली बिजली बिल जनरेट करने को लेकर ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार, और इसके लिए 4 जिले हिसार, महेंद्रगढ़, करनाल और पंचकुला में पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया जाएगा। वहीं हरियाणा के 11 शहरों में प्लॉट के आवंटन के लिए भी 1 फरवरी से सरकार पोर्टल खोलने जा रही है। पंजाब सरकार ने भी घोषणा कर दी है, फरवरी से ही होम डिलीवरी राशन की सुविधा शुरू हो जाएगी। 30 लाख परिवारों को घर पर मिलेगा आटा और गेहूं। 670 करोड़ रुपए का बजट भी रखा इसके लिए। उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस की शुरुआत करेगी 1 फरवरी से। 15 लाख से भी ज्यादा बच्चों को खिलाई जाएगी पेट के कीड़े मारने की दवा। राम भक्तों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है, 1 फरवरी से अयोध्या के लिए ये कंपनी शुरू करने जा रही 8 नई उड़ान सेवाएं। स्पाइसजेट कंपनी किन किन शहरों से ये सीधी फ्लाइट सर्विस शुरू करने जा रही है। अगर आप अयोध्या राम मंदिर घूमने जाते हो तो ये टाइम टेबल का पूरा चार्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसान संगठनों ने 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान भी किया है, कुछ सरकार से मांगे हैं इसके लिए। राजस्थान में विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों मजदूरों यूनियन ने भी 16 फरवरी को राष्ट्रीय हड़ताल की चेतावनी दी है। और बाकी टाटा मोटर्स कंपनी की कारें 1 फरवरी से महंगी हो जाएगी, 0.7% इनकी कीमत बढ़ जाएगी। इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी के कारण कंपनी का कहना है कि यह फैसला लिया गया। और दोस्तों SBI का एक होम लोन ऑफर चल रहा है, उसकी लास्ट डेट 31 जनवरी 2024 है, तब तक आप प्रोसेसिंग फीस में छूट का फायदा ले सकते हैं। 1 फरवरी के बाद आपको ये छूट मतलब नहीं मिलेगी। और बाकी हर महीने सरकार LPG गैस सिलेंडर के रेटों वगैरह में भी बदलाव करती है, तो इस बार क्या क्या बदलाव किए जाते हैं जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता ही दूंगा। उम्मीद है दोस्तों फरवरी से बैंक खाते से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बड़े बदलाव नए नियम आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइए आपके राज्य का नाम, ताकि मैं आपके राज्य सरकार की सरकारी योजनाएं और सरकारी स्कीमों की जानकारी भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा DLS न्यूज चैनल के माध्यम से। इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।